उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में विकास भवन परिसर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु दो दिवसीय दीपावली सरस मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के जयंत पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह व उपायुक्त स्वतः रोजगार, अन्य अधिकारियों ने मेले का अवलोकन किया और स्वयंसेवी संस्था के महिलाओं का हौसला अफजाई की। इस अवसर पर मंडलायुक्त व जिलाधिकारी द्वारा 10 महिला समूहों को सरकारी राशन वितरण दुकान हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। दो दिवसीय मेले में 22 समूह की महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कुल 1,20,000 से अधिक की बिक्री की गई, जिसके संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि स्वयंसेवी महिला संस्थाओं के उत्पाद की बाजार उपलब्ध कराना प्रदर्शनी का मुख्य मकसद है। प्रदर्शनी के उत्पाद में किसानों की भी भूमिका रहती है और उनके आमदनी को दोगुना करना भी मेले का मुख्य मकसद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, गाय के गोबर से बने हुए दिए हैं और ये लक्ष्मी जी की पूजा। दीपावली के शुभ अवसर पर ये मातृमंडल ने हमारे सेवा भारती की तरफ से हम लोगों ने गोरक्षण का भी काम किया है, क्योंकि गाय के गोबर का सही प्रयोग उसको और गोमूत्र का भी वहाँ पर है और धूप बत्ती भी है, ये गाय के गोबर के बने हुए हैं, हमारी मातृमंडल के महिलाओं ने बनाए हैं, साथ में बहुत सी बच्चियों ने साथ दिया है, रंगोली बनाए हैं, ये चंदन है, रंगोली है, हमारे यहाँ की ये भगवान की ड्रेसेस हैं, ये हमारे यहाँ की महिलाओं ने बनाए हैं, भगवान जी के कपड़े हैं, तो दीपावली के मेले के लिए बड़ा ही उपयुक्त उधर लाइट है, उधर लाइट है। रेडिएशन मोबाइल पे लगा दिया जाए तो फिर रेडिएशन इफेक्ट नहीं होता। ये दीपक सर जो हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, अगरबत्ती वगैरह बनाई गई सर, इन लोगों ने हाथ से ही बनाई है। ग्रुप कहाँ से बनवाए? धन्यवाद 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 धन्यवाद। बस 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 ठीक है, बाकी चलेगा आपका दीपावली 65,000 का कपड़ा सेल, बहुत बढ़िया। तो ये स्टॉल आपने बना दिया होगा? हाँ जी सर, हमने दिया, स्टॉल का बेस हमने दे दी, बाकी अपने प्रोडक्ट लेके आए सर। ये लोग बहुत अच्छा, इनका सेल आता है, ये लोग सबसे खुद ही बनाते हैं। ये तो उसमें महोत्सव में भी ये लोग आए थे सर, मल्टी ग्रेन आता बहुत अच्छा है, चक्की से पीस। सर ये प्रवासी आप क्या, तो ठीक है ना सर, ये आप कहाँ से लाते हैं? बनाते हो ना आप, ब्रह्मपुर के समूह हो ना आप खुद बनाते हैं ये? कैसे? तो इसमें क्या चीज़ है? नहीं नहीं
अरे आप नहीं नहीं आप क्या करें, अरे आपकी बिक्री हो ये ये मेरा एफपीओ है, ये भी आए हैं कल और आ जाएंगे। एफपीओ एफपीओ बताओ महेंद्र जी बताइए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ चावल है सर, ओडी यूपी में सर, हाँ ओडी यूपी में हुआ है, इसी के लिए जो हम लोग लास्ट होता है जो राइस मिल लगा कर जूट किया जा रहा है। इन लोग लेकर जो गए इत्यादि सारे इधर से डीएम साहब से दिलवाइए मार्केट में जाए, राशन दुकान दिए सर, अब तो देख लेंगे इसको कैसे करना है। जय माता दुर्गे, जय माता दुर्गे, जय माता दुर्गे। इधर करिए दो दो दीजिए भाई, ट्रेनिंग लीजिए, अग्रीमेंट अग्रीमेंट करा के अगले महीने से बढ़िया से चलाइए, ट्रेनिंग लीजिए बढ़िया से चलाइए। अम्बेडकर उर्वा जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिन्हें हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं और वो बहुत संख्या में यहाँ पर हैं और फैमिली उनकी दो तीन समस्याएं रहती हैं और ये कहानी हर जनपद की है और वो समस्याएं ये हैं कि उनको एक तो बैंक की लिंकेजेस इनिशियल फेज में जो है वो काफ़ी कुछ गोरखपुर जनपद में हम लोग दूर कर चुके हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी NRLM में काफ़ी सपोर्ट किया गया है। दूसरी उनकी समस्या जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की है कि सपोज़ वो एक चीज़ बना रहे हैं और सालों वर्षों वर्ष वो जो है उसी चीज़ को बनाते रहते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि उनको ट्रेनिंग देके और उनकी चीज़ों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, गुणवत्ता में वृद्धि हो और प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया जाए। और तीसरा मार्केटिंग है, तो ये जो प्रयास है बेसिकली तीसरा जो उनकी प्रॉब्लम रहती है मार्केटिंग की उसके लिए है। दीप उत्सव का पर्व है और दीपोत्सव के पर्व में लोग बाहर निकलते हैं और जो जो चीज़ें क्रय करते हैं उसके लिए वहाँ पर कुछ प्रयास किया गया है। ये हमारे जो CDO साहब और उनकी पूरी टीम जो है इस विभाग की उसने प्रयास किया है और हम आशा करते हैं कि ये इनको प्रेरणा देगा, आय से ज़्यादा इनको प्रेरणा देगा कि अपने प्रोडक्ट को और डाइवर्सिफाई करें और उत्पादन करें और लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करें क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हमें हर कृषक परिवार की आय को दोगुना करना है वो इन्हीं प्रयासों से संभव है। कृषि यदि हम देखें तो कृषि में एक सैचुरेशन लेवल आता है, जब तक एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम कृषक परिवार की दुगना इनकम को दुगना करने में सफल इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये इस प्रयास से लोगों को प्रेरणा मिलेगी और हम ट्रेनिंग और मार्केटिंग की ओर और ध्यान देंगे। धन्यवाद।